Hello, my dear students. How are you? I'm sure you must be in very high spirits. I welcome you to Saini Fix classes. I'm Professor H.R. Saini. My aim is to make physics interesting, easy to understand and scoring subject for you. प्यारे बच्चों, आओ हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं. ये चैप्टर दो का, चैप्टर दो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और उस पर हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कर रहे हैं पोटेंशियल मेथड, विच इज ए वेरी इजी मेथड. हम देखने में चाहे लगे कि ये सर्किट मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसको समझ जाएं तो हम कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. और आज मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा. मैंने आपको कल क्वेश्चन पिछले वीडियो में करवाए थे, क्वेश्चन चार क्वेश्चन को आए थे. नाउ वी स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, एंड द कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड लाइक दिस. दिस इज द पॉइंट ए. यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 15 माइक्रोफेरेट. देन यू हैव द सेकंड कैपेसिटर हियर जिसकी कैपेसिटी है 6 माइक्रोफेरेट, लाइक दिस 6 माइक्रोफेरेट. Then there is the third capacitor whose capacity is 2 microfarad, and then there is another capacitor here whose capacity is 7 microfarad, and then another capacitor here whose capacity is again 15 microfarad. Kuch bhi value ho sakti hai, that is immaterial. Aur yahan pe aap point B. तो वी हैव टू फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी. और ऐसे करके इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, ऐसे करके ये लाइक दिस. दिस इज ए कनेक्टिंग वायर, और एक कनेक्टिंग वायर यहां पे है लाइक दिस. सो दिस इज द क्वेश्चन. आवर एम इज टू फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. तो लेट अस सॉल्व दिस बाय यूजिंग द पोटेंशियल मेथड. मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि जिन दो पॉइंट्स में आपने इफेक्टिव कैपेसिटी निकालनी है, मान लो कि उनके बीच में एक हमने बैटरी कनेक्ट करी हुई है, उसका पॉजिटिव ए की तरफ और नेगेटिव बी की तरफ, इमेजिन कर लो. और पॉजिटिव का पोटेंशियल मान लो है वी और नेगेटिव का है जीरो. तो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल हो गया वी और इसका हो गया जीरो. अब चलो ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल मान लो एक्स है. Now this is a connecting wire, तो इस point का potential होगा x ही होगा, because whenever two points are connected through a connecting wire, they must be at the same potential because the distance of a connecting wire is zero. और इसी तरह मान लो ये जो point है इसका potential है y, so इस point का potential भी y ही होगा, because these two points are also connected through a connecting wire. So this is the situation. अब हम हमारे पास चार पोटेंशियल हो गए, V, X, इसका नाम Y, इसका X आ गया और ये Y आ गया. एक V हो गया, एक X हो गया, एक Y हो गया और एक आ गया जीरो. तो हम ऐसे अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं कि हाउ कैन वी रीड्रॉ द सर्किट. सो यहाँ पे है पॉइंट A, इसका पोटेंशियल है V. तो यहाँ पे ये कैपेसिटर आ गया, फिर आगे आए. अब देखो दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल्स एक्स एंड वाई. एंड हैव ए लुक एट दिस कैपेसिटर. फॉर दिस कैपेसिटर आल्सो वन प्लेट इज एट पोटेंशियल एक्स, द अदर वन इज एट वाई. एंड फॉर दिस कैपेसिटर आल्सो वन प्लेट इज एट पोटेंशियल एक्स एंड द अदर वन इज एट वाई. दैट मीन्स दीज थ्री कैपेसिटर्स 1, 2 and 3 दे आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स having potentials x and y. That means the potential difference across each of these, across the plates of each of these capacitors is the same. And when the potential difference between the plates of the given capacitors is the same, they are said to be connected in parallel. That means these three are in parallel. तो आप इसको ऐसे draw कर सकते हैं, एक capacitor यहाँ पे आ गया, एक ऐसे करके, और एक capacitor जो है वो आप इसके पैरेलल में यहां पे बना लो और एक इसके नीचे बना लो ऐसे करके. दीज आर दीज थ्री कैपेसिटर्स. और
इस पॉइंट का पोटेंशियल है x और इस पॉइंट का पोटेंशियल है y. एंड देन यू हैव द लास्ट कैपेसिटर दैट इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल y एंड जीरो. तो इसलिए वो यहां पे आ गया ऐसे करके, और ये आ गया पॉइंट b हुज पोटेंशियल इज जीरो. दिस इज द पॉइंट a हुज पोटेंशियल इज v. दैट मीन्स नाउ दिस इज 15 माइक्रोफेरेट, दिस इज 6 माइक्रोफेरेट, दिस इज 2 माइक्रोफेरेट, दिस इज 7 माइक्रोफेरेट, एंड दीज थ्री आर इन पैरेलल. और पैरेलल में आपको पता है जो टोटल कैपेसिटी आती है दैट इज सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री. सो इट विल बी 6 प्लस 2 8 प्लस 7 दैट इज 15 माइक्रोफेरेट. और अगर मैं इसको द्वारा आगे रीड्रॉ करूं इस सर्किट को, तो आई कैन रीड्रॉ इट लाइक दिस. दिस इज द पॉइंट ए जिसमें के एक कैपेसिटर आ गया जिसकी कैपेसिटी है 15 माइक्रोफेरेट. देन नेक्स्ट, अब इन तीनों की जगह पे एक ही कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी बन गई 6 प्लस 2 प्लस 7 सो इक्वल टू 15 माइक्रोफेरेट. तो आई कैन राइट हियर सी वन इक्वल टू 15 माइक्रोफेरेट, सी टू इक्वल टू 6 प्लस 2 प्लस 7 सो मैनी माइक्रोफेरेट इक्वल टू 15 माइक्रोफेरेट. एंड देन द थर्ड वन हुज कैपेसिटी इज 15 माइक्रोफेरेट, ये भी 15 माइक्रोफेरेट है. और फिर आ गया पॉइंट बी, सो दिस इज आल्सो 15 माइक्रोफेरेट, और ये पॉइंट आ गया बी. नाउ हैव ए लुक एट दिस, थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफेरेट, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी बिकॉज दे प्रोवाइड ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम. So therefore, if C is the effective capacitance between the points A and B, then 1 over C equal to 1 over 15 plus 1 over 15 plus 1 over 15 equal to 3 by 15 equal to 1 by 5, or you can say that C equal to 5 microfarad. And that is the answer to this question. और देखो अगर यही क्वेश्चन कंपटीशन में आ जाए तो आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आपने सिर्फ ये समझना है कि ये तीनों पैरेलल में है, तो इनका इन तीनों की पैरेलल की इफेक्टिव कैपेसिटी बन गई 15 माइक्रोफेरेड. अब ये 15 माइक्रोफेरेड, ये 15 माइक्रोफेरेड और ये वाला 15 माइक्रोफेरेड, दे आर इन सीरीज. और आपको मैंने बताया था इफ एन कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दैट कॉम्बिनेशन इज सी बाई एन. अब यहां पे C हो गया 15 और N हो गया इक्वल टू 3, सो दैट मींस 15 डिवाइडेड बाय 3 माइक्रोफेरेड एंड दैट इज 5 माइक्रोफेरेड. सो दैट इज द आंसर टू दिस. और इसको करने में मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेंगे आपको, और जो चार ऑप्शन दे रखे होंगे उनमें से एक ऑप्शन होगा 5 माइक्रोफेरेड. सो दैट इज द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन. ओके फॉलोड. Okay, now we come to the next question, question number 6. These questions are very, very important. Now, not only for the board examination, but also for the competition. इसलिए मैं आपको काफी क्वेश्चन कराऊंगा और भी वीडियो डालूंगा लगातार इसके, so that you become perfect in solving these numericals. अब देखिए, again we have to find the effective capacitance between the points A and B. और ये जो circuit है, जो arrangement है capacitors का, that is like this. There are 6 capacitors. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And this is the point A and this is the point B. And the capacity of each capacitor is capital C. कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. मेथड आपको आना चाहिए. और फिर कैसे किया, यहाँ से इट इज़ कनेक्टेड बाई ए कनेक्टिंग वायर, इन दो पॉइंट्स को जोड़ दिया आपस में, और फिर इसको और इसको ऐसे आपस में जोड़ दिया, और फिर यहाँ से ऐसे करके इन दो को आपस में कनेक्ट कर दिया. तो वी हैव टू फाइंड. और फिर बेटा ये दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह कि जो भी दो पॉइंट्स कनेक्टिंग वायर से जुड़े हों, दे मस्ट बी एट द सेम पोटेंशियल. तो आप देख सकते हैं
कि ये देखिए ए और बी में इमेजिन करो यहाँ बैटरी है, उसका पॉजिटिव ए की तरफ, नेगेटिव बी की तरफ, पॉजिटिव का पोटेंशियल ले लो वी, नेगेटिव का जीरो, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल है वी और इसका पोटेंशियल है जीरो। अब ये पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट मान लो इसका पोटेंशियल है एक्स या इसका मान लो एक्स है। अब एक चीज देखो यहां पे, ये वी है तो ये कनेक्टिंग वायर है तो इसका पोटेंशियल भी वी ही होगा। अब इसका जीरो है तो मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है, ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल मान लो है वाई या एक्स ले लो, कुछ भी नाम रख सकते हैं, वी वन भी नाम रख सकते हैं, तो फिर इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया एक्स और फिर इसका भी पोटेंशियल कितना हो गया एक्स। देखो मैंने इसका पोटेंशियल लिया एक्स एंड दिस इज कनेक्टेड बाय ए कनेक्टिंग वायर दिस पॉइंट तो एक्स। नाउ अगेन दीज टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय ए कनेक्टिंग वायर तो इसका भी कितना हो गया एक्स। अब हमारे पास देखो ये दो कैपेसिटर जो हैं ए और ये वाला कैपेसिटर, दे आर कनेक्टेड, एक पोटेंशियल यहां पे है वी और इसका हो गया एक्स, तो वी और एक्स। अब ये देखो वी और एक्स, ये भी वी और एक्स में हो गए। और यहां पे आओ, ये जो दो हैं, ये वाले दो, दे आर शॉर्ट सर्किटेड, कैपेसिटी सबकी सी है, इसकी भी सी, 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 एंड वाई आर दे शॉर्ट सर्किटेड, इसलिए शॉर्ट सर्किट हैं क्योंकि जो ये कनेक्टिंग वायर है इसके एक एंड का, यानी कि इसका पोटेंशियल एक्स, इसका पोटेंशियल एक्स, दैट मींस दीज टू कैपेसिटर्स हैव बीन कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स हुज पोटेंशियल इज द सेम एंड दैट कैरीज नो मीनिंग। सो देयरफॉर जब चार्ज यहां पे पहुंचेगा तो इट विल नॉट फ्लो लाइक दिस, इट विल पास थ्रू दिस एंड गो लाइक दिस, दैट मींस दीज टू आर इन इफेक्टिव। सो ये वाले दो जो हैं दे आर इन इफेक्टिव, इन इफेक्टिव। तो आपके पास देखो ये दो जो हैं दे आर कनेक्टेड बिटवीन वी एंड एक्स, ये दो जो हैं बिटवीन वी एंड एक्स और ये दो जो हैं बिटवीन वी एंड एक्स। इसका मतलब ये तीनों जो हैं दे आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स जिनमें से एक पॉइंट का पोटेंशियल है वी और दूसरे का है एक्स, दैट मींस दीज थ्री आर इन पैरेलल। तो इनको आप ऐसे बना सकते हो, ये पॉइंट ए और यहां पे तीन कैपेसिटर बना लो पैरेलल में, वन टू एंड थ्री, और इन तीनों का प्लेटों का पोटेंशियल वी और इन तीनों का पोटेंशियल एक्स। आगे ये छोड़ दो और वो लास्ट आ गया जिसकी कैपेसिटी है सी और वो इन तीनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में हो गया, एंड देयरफॉर इफ सी डैश, अब इनकी कैपेसिटी सी 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 टोटल होगी सी प्लस सी प्लस सी, दैट इज थ्री सी, इसका पोटेंशियल है जीरो, इसका पोटेंशियल है वी, तो इसका भी पोटेंशियल यहां भी वी आ गया। सो आप देख सकते हैं, ये देखो एक बार फिर देखो वी एक्स वी एक्स वी एक्स, दैट मीन्स दीज थ्री आर इन पैरेलल और ये इन इफेक्टिव बिकॉज दे गेट शॉर्ट सर्किटेड, और ये लास्ट वाला जो है दिस वन इट इज इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट थ्री। सो देयरफॉर इफ सी डैश इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, देन देखो ये कितना बन गया टोटल सी प्लस सी प्लस सी थ्री सी। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपके पास एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी थ्री सी, दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी सी, दे आर इन सीरीज बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, एंड देयरफॉर इफ सी डैश इज द इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ दीज टू कैपेसिटर्स। और मैंने आपको बताया था कि जब दो कैपेसिटर सीरीज में हो जिनकी कैपेसिटी सी वन और सी टू है, देन देयर इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैन बी रिटन एज सी इक्वल टू सी वन इंटू सी टू ओवर सी वन प्लस सी टू। अब सी वन कितना हो गया सी वन इंटू सी टू ओवर सी वन प्लस सी टू, दैट इज इक्वल टू थ्री सी इंटू सी ओवर थ्री सी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू थ्री सी स्क्वेयर ओवर फोर सी, एक सी जो है वो कैंसल, सो दैट इज इक्वल टू थ्री बाई फोर सी, एंड दैट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सो दैट कंप्लीट्स दिस। ओके नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, दिस वॉज सिक्स क्वेश्चन, नाउ वी कम टू सेवंथ क्वेश्चन।
ये मैं जितने वीडियो डालूंगा नंबर न्यूमेरिकल्स का कॉन्टिन्यूटी में ही दूंगा. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. लेट अस सी व्हाट इज दिस क्वेश्चन. इसमें हमने ऐसे जोड़ियां कैपेसिटर, दिस इज द पॉइंट ए. अगेन द क्वेश्चन इज फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. अब यहाँ पे ए है, एक कैपेसिटर ऐसे करके यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे एक और कैपेसिटर है, और फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है लाइक दिस, और इनको ऐसे कनेक्ट किया है कि ये दो कनेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको हम इस तरफ ले गया ऐसे करके लाइक दिस, और ये जो पॉइंट है इसको इधर से विद दिस इज अ कनेक्टिंग वायर, और ये पॉइंट भी विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिंग वायर इट इज कनेक्टेड टू दिस पॉइंट लाइक दिस. आप देख सकते हैं अब इसकी कैपेसिटी है 9 माइक्रोफेरेड, और इसकी है 6 माइक्रोफेरेड, और इसकी कैपेसिटी है 12 माइक्रोफेरेड, एंड वी आर टू फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. सो ये तीन ऐसे कनेक्ट किए हैं कि दो ऐसे कनेक्ट करके ऐसे ले गए, वो तीसरा आ गया, यहाँ से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यानी कि पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिंग वायर. अब इसका नाम रख लो C1 कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफेरेड, C2 6 माइक्रोफेरेड, और ये आ गया C3 इक्वल टू 12 माइक्रोफेरेड. अब फिर देखो तरीका क्या पोटेंशियल मेथड में, कि आपने इन दो पॉइंट्स में जिनमें आपने इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, मान लो उनके बीच में आपने जो कनेक्ट किया एक बैटरी जिसका पॉजिटिव इस तरफ आ गया, नेगेटिव आ गया इस तरफ, तो इसका पोटेंशियल मान लो वी है और उसका पोटेंशियल है 0, और ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल मान लो एक्स है, तो बताओ फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा एक्स, और इसका मान लो वाई है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया वाई. तो यू कैन सी के ये बिटवीन वी एंड एक्स कनेक्ट किया, और ये है बिटवीन एक्स एंड वाई, और ये भी देखो बिटवीन एक्स एंड वाई. हैव ए लुक हियर, दिस कैपेसिटर दिस वन इज बिटवीन द पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल्स वी एंड एक्स, एंड दिस इज बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई. अब ये देखो क्यों एक्स होगा यहाँ पे और ये वाई क्यों होगा, बिकॉज दीज टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाई ए कनेक्टिंग वायर, और मैंने आपको काफी बार बताया कि जो भी पॉइंट कनेक्टिंग वायर से जुड़े हों दे मस्ट बी एट द सेम पोटेंशियल, और ये देखो इसी तरह ये सेम पोटेंशियल पे. अब देखो ये बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई, तो बताओ ये कैसे हो गए, दे आर इन पैरेलल, और इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है दैट इज इन सीरीज विद द फर्स्ट कैपेसिटर. तो अगर मैं इसकी इक्विवेलेंट सर्किट इसका ड्रॉ करूं तो इट विल बी लाइक दिस. यहां पे ये पॉइंट ए आ गया जिसका पोटेंशियल है वी, और ये कैपेसिटर आ गया जिसकी कैपेसिटी है C1 इक्वल टू 9 माइक्रोफेरेड. ओके, और फिर ये दो जो हैं दे आर इन पैरेलल, ये वाला और ये क्यों पैरेलल, हैव ए लुक अगेन, एक्स और वाई, एक्स और वाई, और ये क्यों एक्स दोनों, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाई ए कनेक्टिंग वायर. ये वाई क्यों दोनों, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाई ए कनेक्टिंग वायर, और ये दो पैरेलल में बना दो ऐसे करके, ऐसे करके, और फिर यहां पे पॉइंट आ गया बी जिसका के पोटेंशियल है 0, और ये है C2 जिसकी कैपेसिटी है 6 माइक्रोफेरेड, और ये है C3 जिसकी कैपेसिटी है 12 माइक्रोफेरेड. अब बेटा जी ये देखो पैरेलल में है तो टोटल बन जाएगी C2 प्लस C3 6 प्लस 12, दैट इज 18 माइक्रोफेरेड, और फिर इसकी अगर आप आगे इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करना चाहें कैपेसिटर्स का, तो ये पॉइंट आ गया ए, ये एक कैपेसिटर, और दूसरा कैपेसिटर अब आ जाएगा, इसकी कैपेसिटी है C2 प्लस C3, C2 प्लस C3 इक्वल टू हाउ मच, 6 प्लस 12 इक्वल टू 18 माइक्रोफेरेड, और ये वाला जो है C1 दिस इज 9 माइक्रोफेरेड, एंड दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. नाउ दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, तो देयरफॉर इफ सी इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी देन इसका पोटेंशियल है वी और इसका पोटेंशियल है 0.
if C is the effective capacitance between the points A and B, then C equal to 9 into 12 over 9 plus 12, 9 into 12 over 9 plus 12 microfarad. This is equal to 9 into 18 over 27 microfarad. तो ये 9 3 आ गया, 3 6 आ गया. सो द आंसर इज 6 माइक्रोफेरेड एंड दैट कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन. सो दैट इज हाउ. अब देखो यही कंपटीशन में आ जाए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ऐसे लिख लिया ए एक्स एक्स वाई और वाई एक्स वाई एक्स वाई पैनल में टोटल 6 प्लस 12 18, ये सीरीज में 9 इंटू 18 ओवर 9 प्लस 18 सीधा यहां लिखो और ये 10 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. एंड दैट कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन. एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. अब इसमें ये ऐसे है बेटा जी, ये देखो ये पॉइंट ए, एक कैपेसिटर यहां पे, फिर एक कैपेसिटर यहां पे और फिर एक कैपेसिटर यहां पे लाइक दिस ऐसे आ गया और इसको यहां से ऐसे कनेक्ट कर दिया कनेक्टिंग वायर से. उसके बाद एक कैपेसिटर है यहां पे, फिर एक कैपेसिटर है यहां पे ऐसे करके और एक कैपेसिटर है यहाँ पे. टोटल दे आर 6 कैपेसिटर्स और यहाँ पे आ गया पॉइंट बी और यहाँ पे आ पॉइंट ए और ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको हमने कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ ए कनेक्टिंग वायर लाइक दिस. और इनमें से हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी है सी, ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी. वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैल्यू जिस जो होगी उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. हमने निकाल लिया इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. अब बेटा ध्यान से समझना, को देखे ऐसे देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में, लेकिन जब हम पोटेंशियल मेथड यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही सिंपल है. ये देखिए ए और बी में आपने बैटरी कनेक्ट करनी है, ए का पोटेंशियल वी और बी का पोटेंशियल जीरो. अब आ जाओ यहाँ पे, ये देखिए ऐसे ये कनेक्टिंग वायर है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया वी और इस तरफ आओ पहले, ये देखिए ऐसे कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल हो गया जीरो. दिस इज एट जीरो पोटेंशियल एंड दिस इज एट पोटेंशियल वी. अब मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल है एक्स और ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल है वाई. नाउ हैव ए लुक, ये देखिए बेटा ये जो कैपेसिटर है इट इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स विच आर एट पोटेंशियल वी एंड एक्स, वी एंड एक्स. इस तरह ये देखो ये वाला बिटवीन वी एंड एक्स, इसका मतलब ये दो कैपेसिटर आप देखने में ऐसे लगता है कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. दे आर नॉट ज्योमेट्रिकली पैरेलल टू ईच अदर बट बिकॉज दे आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर एट द सेम पोटेंशियल दैट मीन्स दीज टू आर इन पैरेलल. और ये वाला जो है ये है बिटवीन एक्स एंड जीरो और ये इन दो की पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ है सीरीज में. क्योंकि देखिए यहां से चार्ज चला, जब यहां पे पहुंचा तो थोड़ा चार्ज इस तरफ गया थोड़ा इस तरफ आ गया, इसका मतलब यहां से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज शुरू हो गई बिटवीन टू ब्रांचेस. और जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज शुरू हो जाए दो ब्रांचेस आर सेट टू बी इन पैरेलल, इसका मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में और इसमें क्या आ गया ये दो पैरेलल में ये सीरीज में. अब इस तरफ आओ, ये कैपेसिटर जो है ये वाला एक इस पॉइंट का पोटेंशियल है y और इस पॉइंट का, इसका जीरो तो इसका भी कितना हो गया जीरो और ये भी जीरो ये भी जीरो. सो दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल y एंड जीरो, इसका जीरो आ गया. एंड दिस कैपेसिटर इज आल्सो कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल y एंड जीरो, दैट मींस दीज टू आर आल्सो इन पैरेलल, देखने में पैरेलल नहीं लगते. और ये जो है ये इन दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है और फिर आपस में दोनों ब्रांचेज जो हैं वो हैं पैरेलल में.
तो अगर मैंने इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना हो सो दैट विल बी लाइक दिस, ये दो हैं आपस में पैरेलल में, तो ऐसे करके यहाँ पे आ गया पॉइंट ए, पॉइंट ए इस तरफ चले, ये दो आ गए पैरेलल में ऐसे लाइक दिस, इसकी कैपेसिटी भी सी, इसकी कैपेसिटी भी सी, और इन दो के साथ ये वाला सीरीज में। अब इस तरफ आओ नीचे, ये वाला जो है इनकी पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में, तो यहाँ पे ये वाला आ गया उसके साथ, दो जो हैं वो आपस में आ गए पैरेलल में, ऐसे करके ड्रॉ करो ये और दूसरा यहाँ पे आ गया पैरेलल में, और फिर इनको ऐसे जोड़ के ऐसे करके, दीज टू आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दिस इज द पॉइंट ए जिसका पोटेंशियल है वी, एंड दिस इज द पॉइंट बी हुज पोटेंशियल इज ज़ीरो। अब आप देख सकते हैं कि सबकी कैपेसिटी तो सी है, सी 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 और सी। अब इस ब्रांच की कैपेसिटी होगी कितनी, 2C, और 2C और सी आपस में सीरीज में, इसका मतलब अगर इसको आप रीड्रॉ करना चाहें इस चीज को तो ऐसे कर सकते हैं, ये पॉइंट ए है और यहां पे 2C और सी आपस में सीरीज में, ये 2C इन पैरेलल का दो का, ये सी इस तरह यहां पे, ये सी और सी प्लस सी 2C, ये भी ऐसे करके आ गया, और फिर ये आपस में पैरेलल में, एंड दिस इज द पॉइंट बी, इसका पोटेंशियल वी और इसका पोटेंशियल जीरो। नाउ इनकी इफेक्टिव कैपेसिटी आ जाएगी C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2 प्लस आ जाएगा C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2। सो क्योंकि ये दोनों फिर पैरेलल में हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगी, सो इफ सी डैश इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, देन सी डैश विल बी इक्वल टू 2C इंटू सी ओवर 2C प्लस सी। ये कहां से आ गया, ये दो पैरेलल में है सॉरी सीरीज में, तो इनका आ गया C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2, और इनका भी आ जाएगा C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2, और क्योंकि आपस में पैरेलल में है तो प्लस आ जाएगा C इंटू 2C ओवर C प्लस 2C, एंड दिस इज फर्दर इक्वल टू 2C स्क्वेयर ओवर 3C, और ये भी आ गया 2C स्क्वेयर ओवर 3C, एक सी से गया, तो ये आ गया 2/3C और प्लस आ गया 2/3C एंड दैट इज इक्वल टू 4/3C, एंड दैट इज द आंसर टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन आया है और ज़्यादातर बच्चे इसको नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपने ये जो मेथड मैंने आपको बताया है अगर समझ लिया अच्छी तरह तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माय लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगा, इस टाइप का भी कराऊंगा एक आध क्वेश्चन, और बाकी फिर और टाइप्स के कराऊंगा, ये मैं 3-4 वीडियो भी और डालूंगा, क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक यू परफेक्ट इन सॉल्विंग the questions based on grouping or combination of capacitors. Thank you very much.